नमस्ते फ्रेंड्स, मैं रंजू कोलकाता से। मेरे टेरिस गार्डन में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, विंटर आते ही गार्डन में चारों तरफ कलरफुल फ्लावर दिखने को मिलते हैं और पूरा गार्डन फूलों से सज जाता है। तो वैसे ही किचन में हरे पत्तेदार वाली भाजी का काफ़ी यूज होता है। तो आज की वीडियो में शेयर करूंगी कि मेथी के पौधे कैसे उगाते हैं। तो बच्चे हो चाहे बड़े, मेथी के पराठे बहुत ही पसंद करते हैं और कई सारे रेसिपी इनके बनते हैं और हेल्थ के लिए भी काफ़ी फायदेमंद है। जो लोग डायबिटीज़ के पेशेंट हैं तो इनकी भाजी बहुत ही फायदेमंद होती है। तो इसको ऑर्गेनिक तरीके से छत में, बालकोनी में या विंडो में भी छोटे छोटे कंटेनर में बहुत ही आसानी से उगाया जा सकता है। तो देख सकते हैं मेरे किचन गार्डन, मैंने एक तरफ अपने छत को तैयार किए हैं। तो उसमें काफ़ी सारे वैसे वेजिटेबल्स मैंने लगा के रखे हैं, जिसमें कि मिर्च, गोभी और हरे पत्तेदार वाली कई सारे वेजिटेबल्स लगा के रखे हैं। और इधर देख सकते हैं गोभी की ग्रोथ काफ़ी अच्छा है, तो हार्वेस्ट के लिए भी रेडी हो गया है। तो फ्रेंड्स, मेथी उगाने के लिए टेम्परेचर कम होना चाहिए। अगर ज़्यादा गर्मी रहती है तो मेथी के पौधे उग तो जाते हैं पर उसकी ग्रोथ नहीं होता है। तो यहाँ के मौसम के हिसाब से नवंबर लास्ट और दिसंबर के शुरुआत में अगर मेथी के पौधे लगाते हैं तभी पौधे की ग्रोथ अच्छा होता है। अगर ऐसे दिसंबर लास्ट तक भी लगा सकते हैं, क्योंकि अक्टूबर और नवंबर के फर्स्ट में अगर मेथी के पौधा यहाँ लगाते हैं तो उसके पौधे तो निकल जाते हैं पर पौधा का ग्रोथ नहीं होता है। क्योंकि मेथी को उगाने के लिए अगर जब तक ओस नहीं गिरती है तो मेथी के पौधे की ग्रोथ नहीं होता है। तो अभी इस मेथी लगाने का सही समय है। अभी इस समय मेथी लगाएंगे तो जनवरी तक इसको हार्वेस्ट के लिए रेडी हो जाएंगे। तो मेथी के सीड्स किचन में ही मिल जाते हैं, तो उन्हीं सीड्स को मैंने रात में फुला के रखे हैं। देख सकते हैं फूले हुए हैं। तो इसके जब भी पौधे लगाए तो सीड्स को फुला के लगाने से पौधे बहुत जल्दी उगते हैं। और इसकी मिट्टी भुरभुरी और सॉफ्ट मिट्टी तैयारी करेंगे। बहुत हार्ड मिट्टी में इसके पौधे की ग्रोथ कम होती है। तो इसमें 50% गोबर की खाद मिलाएंगे तो दूसरे कोई फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और इसमें बहुत ज़्यादा ऊपर तक मिट्टी भी भरने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। चौड़ा जो भी पॉट साइज हो चौड़ा होना चाहिए, बहुत गहरा भी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो फ्रेंड्स, हरे पत्तेदार वाली कोई भी भाजी हो चाहे पालक, धनिया, मेथी, तो उसमें सिर्फ गोबर की खाद ही डालने से और कोई दूसरे फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो 50% नॉर्मल गार्डन सॉइल और 50% गोबर की खाद, और मिट्टी हार्ड है तो थोड़ी सी बालू की रेत, कोकोपीट मिला के और नीम की खली डाल के इस तरह से मिट्टी तैयार करेंगे तो और कोई दूसरे फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्योंकि इसमें कोई फल फूल नहीं लगते हैं, इसके पत्ते को ही हार्वेस्ट करते हैं, तो सिर्फ गोबर की खाद ही इसके लिए काफ़ी रहता है। तो इस तरह से इस मेथी के पौधे लगाएंगे और इसको पानी ऊपर से छिड़क के देंगे, ओवर वाटरिंग नहीं करेंगे। तो जैसे जैसे पौधा बढ़ेगा तो वैसे वैसे पानी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट इसमें होती है। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं ये बोरी जो कि खाली थी मेरे, तो उसमें भी मिट्टी डाल के मेथी के पौधे लगाएंगे। तो ये कोई परमानेंट पौधा नहीं है, 1 से 1.5 महीने में इसको हार्वेस्ट कर लेंगे। तो इसको पॉलीथीन या कोई बोरी में भी लगा सकते हैं। तो ये बालकोनी में भी बहुत आसानी से, इसके अगर धूप अच्छी आती है तो बहुत अच्छे पौधे इसके निकलते हैं। विंडो में भी लगा सकते हैं और अपने किचन के ताज़े भाजी हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो देख सकते हैं इधर गोभी के पौधे जो लगाए थे, जो सीड्स डाले थे तो पौधे निकल गए हैं, जिसमें कि गोभी है, ब्रोकली है। तो ये थोड़ी पिछेती फसल हो गए क्योंकि अभी दिसंबर लास्ट है तो इसको केयर बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। और ये धनिया का भी देख रहे पौधे निकले हुए हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय फ्रेंड्स।